मध्य प्रदेश की सियासत में जबरदस्त उथल पुथल के बीच कोरोना वायरस की आड़ में वजीर आला कमलनाथ को मिली कुछ दिन की राहत। पहले ही दिन विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक की गई मुलतवी। कोरोना का दिया गया हवाला, नहीं हुआ कमलनाथ सरकार का फ्लोर टेस्ट। कल देर रात गवर्नर लालजी टंडन ने वजीर आला कमलनाथ को भेजा था पैगाम। आज 16 मार्च को गवर्नर के खिताब के बाद कमलनाथ सरकार को अपनी अक्सरियत साबित करने का दिया था हुक्म। गवर्नर के फ्लोर टेस्ट का हुक्म आते ही चौतरफा की जा रही थी फैसले की फसियात। फ्लोर टेस्ट की कोई कार्रवाई न होने पर मायूस बीजेपी अराकीन असेंबली के वफद ने राजभवन में की परेड। साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की क्यादत में गवर्नर से मुलाकात कर अक्सरियत हासिल होने का किया दावा। 106 अराकीन असेंबली की सौंपी फहरिस्त। कमलनाथ सरकार को अकलियती करार देकर बोले शिवराज, जो अक्सरियत में है उन्हें मिले एमपी का इक्तदार संभालने का मौका। आज जो हाउस में परिदृश्य था उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के केवल 92 विधायक बचे। भारतीय जनता पार्टी के 106 यहाँ सशरीर आए हैं और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुमत अब भारतीय जनता पार्टी का है, और इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय से हमने ये निवेदन किया है, उनके सामने हमने परेड की है, ये बहुमत देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का भी खटखटाया दरवाजा। फ्लोर टेस्ट का मुतालबा कर दाखिल किया अर्जी। कल मंगल के दिन अर्जी पर अदालत उज़्मा में हो सकती है सुनवाई। असेंबली स्पीकर ने भी मामले को लेकर मीडिया से की बातचीत। इस्तीफा देने वाले अराकीन असेंबली का रास्ता राबिता कायम न करने पर स्पीकर ने उठाए सवाल। कहा, मैं अब भी इस्तीफा सौंपने वाला अराकीन असेंबली का कर रहा था इंतजार, खुद को अराकीन असेंबली का करा दिया सरपरस्त। मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। राज्यसभा इंतखाबात से कबल शुरू हुआ लुखा छुपी का खेल। 5 कांग्रेसी अराकीन असेंबली ने पार्टी से दिया इस्तीफा, तो पार्टी ने अपने 34 अराकीन असेंबली को भेजा जयपुर। बैंक घोटाले को लेकर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत पर साधा निशाना। बैंकों की खस्ता सूरत हाल पर किया सख्त तशवीश का इजहार। सबसे बड़े 50 कर्ज हड़पने वालों की मांगी फहरिस्त, तो अनुराग ठाकुर ने पलटवार कर जवाब के बजाय प्रियंका वाड्रा के पेंटिंग का किया तस्किरा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़ पकड़ कर वापस लाऊंगा, तो मैंने प्रधानमंत्री जी के सरकार से 50 नाम पूछे और वो जवाब नहीं मिला। मेरा पहला सवाल यह है कि उनके 50 नाम क्या हैं? मुल्क में बढ़कर 112 तक पहुंची कोरोना वायरस मुतासरीन मरीजों की तादाद। 2 मरीजों की हो चुकी है मौत। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 34 लोग पाए गए हैं पॉजिटिव। मुल्क भर के रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डा समेत मुख्तलिफ मकामात पर लोगों की जा रही है थर्मल स्क्रीनिंग। कोरोना वायरस की दहशत से शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, पब और बाजारों समेत दुकानों पर लटक रहे हैं ताले। अपने घरों में ही दुबक कर रहने पर मजबूर हैं लोग। शहर दर शहर पसरा सन्नाटा, खाली नजर आ रही हैं सड़कें, तो वीरान दिखी गलियां। कोरोना की रोकथाम के लिए वेस्टर्न रेंज रेलवे इंतजामिया का भी इकदाम। एसी बोगियों से हटाए गए पर्दे और कंबल। मुसाफिरों को अपने साथ कंबल ले आने की दी सलाह। ट्रेन के पर्दों और कंबल की रोजाना धुलाई को बताया नामुमकिन। इटली में कोरोना के खौफ से मचा हाहाकार। कल एक दिन में सबसे ज्यादा 368 लोगों की हुई मौत। 6000 के पार पहुंची दुनिया भर में कोरोना मुतासिर मरने वालों की तादाद। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने नोएडा में अपनी एक नई सियासी पार्टी का किया ऐलान। आजाद समाज पार्टी के नाम से पार्टी को किया लॉन्च। मुतनाज़े कानून सीए के खिलाफ मुल्क भर के कोने कोने से उठने वाली आवाज की राजस्थान सरकार ने भी की हिमायत। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। शहरियत तरमीमी कानून को आईन के खिलाफ करार देकर सीए को मुस्तरद करने का किया मुतालबा। कर्नाटक के वजीर आला येडियुरप्पा ने की खुद अपने ही हुक्म की पामाली। मरकजी वजरा के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल चीफ व्हिप महंतेश की शादी तकरीब में की शिरकत। दिग्गर हजारों लोग भी शादी में हुए थे शामिल। कोरोना वायरस से बचने खुद सीएम येडियुरप्पा ने ही आवाम से की थी शादी और तकरीबात से दूरी अख्तियार करने की अपील। 100 से ज्यादा लोगों को एक साथ जमा न होने की दी थी हिदायत। भटकल में कोरोना मुतासिर मरीजों की खबरों को ताल्लुका इंतजामिया ने सिरे से किया खारिज। मुश्तबे 2 मरीजों की रिपोर्ट भी निकली नेगेटिव। बोले अफसरान, घबराने की नहीं है कोई जरूरत। सोशल मीडिया पर भटकल में कोरोना पॉजिटिव की अफवाह फैलाकर इलाके में इंतजार पैदा करने की जा रही थी कोशिश। भटकल DYSP ने झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। भटकल तालुका इंतजामिया ने बैरूनी हिंद से आने वाले मुसाफिरों से की सरकारी सियात आम्मा के अफसरान के साथ कोऑपरेट करने की अपील। सरकारी अफसरान को घरों तक पहुंचने का न दे मौका, खुद सरकारी हॉस्पिटल पहुंचकर करवाएं अपनी जांच। बैरूनी मुल्क से लौटने वाले मुसाफिरों को 14 दिनों तक घरों में ही रहने की हिदायत पर अमल करने सख्ती के साथ की गई ताकीद।